तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड मतलब UPSI और यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में। ठीक है, तो टोटल दोस्तों यूपी से पहले से रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है और लेखपाल भर्ती के बारे में बात किया जा रहा है, UPSI भर्ती के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं आज लगभग 3 साल से तो चल ही रहा है प्रक्रिया, लेकिन आज 6 महीने की बात कर रहे हैं। 6 महीने से सरकार लगातार बच्चों को बेवकूफ़ बनाती जा रही है। वैकेंसी तो आना छोड़िए, नहीं रिजल्ट भी नहीं जारी कर रहा। 6 महीने से एक रिजल्ट तक जारी नहीं किया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। UPSI की वैकेंसी अगस्त में जारी करने की बात कही गई थी, फरवरी में ज्वाइनिंग की बात कही गई थी, लेकिन फरवरी क्या छोड़िए, वैकेंसी तक लापता है। नौबत ये है तो हम एक बार देखिए, सभी भाई से जितने भाई यूट्यूब चैनल पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हर चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट ये हमारे चैनल का लिंक डालिएगा। उनसे और मैं खुद सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिए, आप लगातार जो ज्ञान देते हैं ना, एक दिन ज्ञान को बंद कीजिए, कम से कम एक दिन सरकार के विरुद्ध वीडियो डालिए अपने चैनल पे। ठीक है, ज्ञान बहुत दे रहे हैं, ज्ञान देना बंद कीजिए, नहीं तो आपका ज्ञान एक दिन आपको ही विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान देने की नौबत नहीं आएगी जब वैकेंसी नहीं आएगी ना रिजल्ट आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाइए, सरकार के विरुद्ध वीडियो बनाइए, यूपी TPLSC के विरुद्ध बनाइए, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के विरुद्ध एक वीडियो बनाइए। ऐसे बैठने से नहीं होगा, हम लगातार प्रक्रिया में अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग के चैनल पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। एक इतना तो आप कर ही सकते हैं कि चंद रुपयों के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल कहीं कोई डैमेज ना हो जाए, ना कोई दिक्कत हो जाए, आप मतलब वीडियो नहीं बना सकते हैं। किस बात का आप चैनल रखे हैं? देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन या यूपी सरकार की रोजगार नीति बहुत ही बकवास चल रही है, एकदम थप सा हो गया है। पूरे बता रहे हैं, पूरे साल भर में कोई वैकेंसी तक नहीं आई यार, लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा। बजट भी पास हुआ, महा बकवास बजट था, उसका कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे होंगे वाईफाई स्टडी चैनल, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, सब स्ट्राइक पे आ गए हैं, सब धरने प्रदर्शन पे एकदम आ गए हैं, सब बगावत की एकदम बगावत करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, एग्जाम या वाईफाई स्टडी ने स्पेशल ट्वीट भी किया PMO ऑफिस में, गृह मंत्रालय में, और उसके बाद आपके बता दे रहे हैं रेलवे मंत्रालय में कि भैया वैकेंसी जल्द से जल्द रेलवे कराइए, नहीं तो बहुत बहुत बवाल होने वाला है। ठीक है, अब उनके देखिए, उनके पास 11 मिलियन प्लेटफॉर्म है, मतलब जाने एक एक करोड़ से ऊपर उनके पास लड़के हैं, 1 करोड़ में 1 लाख भी तैयार होंगे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा दिल में। एग्जामपुर वाले देखिए भाई, एग्जामपुर के विवेक सर, विवेक भाई ने देखिए क्या किया है, उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया है धरना का, बहुत विशाल धरना कर रहे हैं, रोड पे धरना होगा, बहुत बढ़िया बवाल मचने वाला यूपी में, जान जाइए यूपी और दिल्ली में, क्योंकि वो बंदे उनके पास प्लेटफार्म है, वो अपने सही जगह से अपने बच्चों को यूज करते हैं। आप लोग थोड़ा यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो डालना शुरू कीजिए, बैठने से काम नहीं चलेगा, अब वीडियो बनाने का चौचला बंद कीजिए। ठीक है, राज्य सरकार के विरुद्ध बोलना चाहिए कि भैया UPSI की भर्ती आप 1 महीने के अंदर लाइए, चाहे यूपी लेखपाल के, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, सरकार हम लोग गिरा देंगे। एकदम एकदम कठोरता से साथ आइए। अब UPSI की नौबत ये आ गई है, पिछले सरकार में तो चाहे तत्काल के मैटर बता रहे हैं कुछ था कि लड़के धरना प्रदर्शन करते तो रिजल्ट भी जारी किया जा सकता, लेकिन इस सरकार का 0/0 असर पड़ रहा है। धरना कीजिए, लाठीचार्ज कीजिए, चाहे गोली मार दीजिए, कोई असर नहीं पड़ रहा इस सरकार पर। इतनी बड़ी लापरवाही सरकार कैसे कर सकती है? सबसे बड़ी बात है कि लड़कों का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ना उनका न्यूज़ रिपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई यूट्यूबर सपोर्ट कर रहा है, ना कोई नेता सपोर्ट कर रहा है, ना कोई कोई बड़े आदमी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। तो कम से कम बच्चे आपसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए आप लोग। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सभी सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं कि भैया आप जितना जितना हो सके इस चैनल को, चाहे इस न्यूज स्पेशल इस वीडियो को, चैनल से नहीं मतलब है इस टाइम वीडियो से मतलब है, वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, सभी यूट्यूबर्स के पास भेजिए, और जो भी यूट्यूबर हमारा वीडियो देख रहे हैं अपने चैनल पर कम से कम 2-4 वीडियो डालिए। रिक्वेस्ट है कम से कम सरकार के वीडियो डालिए, लड़कों को जो स्वयं आपके चैनल उनको जगाइए कि देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा रहा तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा यूट्यूब वालों का और बच्चों का भी। तो कम से कम अपने बारे में छोड़ना बंद कीजिए, बहुत सोच लिया अपने बारे में, 2-4 वीडियो डालिए थोड़ा सरकार के विरुद्ध, क्योंकि बड़े बड़े चैनल स्ट्राइक पे आ गए हैं, क्योंकि वो बगावत शुरू कर दिए हैं। तो आप भी थोड़ा सामने आइए, बहुत बहुत दिन हुआ बैठे, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चुनाव की नीति हम देख रहे हैं बहुत ही खराब चल रही है। 6 से 8 रिजल्ट की बात की गई थी इस महीने में, एक अपडेट तक नहीं आया, रिजल्ट छोड़िए एक अपडेट नोटिस नहीं जारी किया गया, कितनी बड़ी लापरवाही चल रही है। मैंने तत्काल में आज कॉल किया था तो उन्होंने कुछ उचित रिस्पॉन्स दिया है मंडी पर्षद और लोअर सबॉर्डिनेट रिजल्ट को लेकर, एक आबकारी के रिजल्ट को लेकर, लेकिन उचित रिस्पॉन्स आज 2 महीने से दे रहे हैं, उसका कोई हल नहीं निकला है। तो ये रिस्पॉन्स अब अगले अगले साल भी फरवरी मांगे तो वही रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों, जो भी यूट्यूब पे है उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो अब डालना शुरू कीजिए, बहुत लेट हो चुकी है, और
बहुत भयानक अपना थंबनेल लगाई है, क्योंकि थंबनेल लगाएंगे जितने अधिक किए, आपके पास 10,000 की संख्या है यार, आपके यूट्यूब पे 10,000 बच्चे हैं, मान लीजिए 10,000 बढ़ के बहुत बहुत बड़ी बात होती है, तो उसका उपयोग करना सीखिए। एक वीडियो आप जरूर जरूर डालिए, और भी आगे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वीडियो बनाया जाएगा, तथा इनके खिलाफ होना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, जल्द जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक दोस्तों जय हिंद।